आप विधायक मोहिंदर गोयल ने सदन में नोटों की गड्डियों को लहराया। मोहिंदर गोयल का आरोप है कि बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में भर्ती के लिए टेंडर निकाला गया जिसमें रिश्वतखोरी हो रही है। कर्मचारी इस मामले को लेकर अस्पताल में स्ट्राइक पर बैठे हैं, वहां उनके साथ भी मारपिटाई हुई। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर मैंने डीसीपी से कंप्लेंट की, एलजी तक शिकायत की, लेकिन मुझसे सेटिंग करने की कोशिश की गई कि मुझे रिश्वत देकर खरीद लिया जाए। और जो नोटों की गड्डियां उन्होंने लहराई उसको लेकर कहा कि ये वही नोट हैं जो उन्हें दिए गए थे। और इसी खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित एक बार फिर जुड़ गए हैं। अमित, आप विधायक ने नोटों की गड्डियां लहराई हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं, जरा बताइए इस पूरे मामले को और इसके बाद क्या, क्योंकि सदन में नोटों की गड्डियां लहराया जाना एक बड़ा गंभीर मामला है। जी शुभांकर, देखिए आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच हंगामे की उम्मीद थी विधानसभा के तीसरे दिन भी, लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुआ है, महेंद्र गोयल आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने नोटों की गड्डियां लहराई हैं। उनका दावा है कि एक अस्पताल में नर्सिंग की जो भर्ती होती है उसमें 80% तक का रिजर्वेशन होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और पैसे की लेन देन के तहत वहां पे भर्तियां हो रही हैं। इस मुद्दे को उन्होंने उठाया, साथ में ये भी दावा किया कि उन्होंने जो लोग ये पूरा रैकेट चला रहे हैं, स्कैम चला रहे हैं, उनके साथ बातचीत इसलिए की ताकि रंगे हाथों उन लोगों को पकड़ा जा सके, लेकिन और उन्होंने दिल्ली पुलिस को भी इसके बारे में जानकारी दी थी ताकि जो पूरा रैकेट है उसको रंगे हाथों कहीं ना कहीं उसको एक्सपोज किया जा सके और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराई जा सके। लेकिन उनका दावा है कि उन्होंने एक तरफ जहां इस मुद्दे को उठाया है, वहीं दूसरी तरफ उनके जान को भी खतरा है उन लोगों से जो इस रैकेट को चला रहे हैं। शुभांकर जी, तो आप विधायक जी की तरफ से नोटों की जो गड्डियां दिखाई गई हैं, इसके बाद अब क्या कोई शिकायत दर्ज करवाई गई, कोई एफआईआर दर्ज हुआ, जांच की जा रही है उस नोटों गड्डी को लेकर भी, कहां से आया, कौन दे गया? जी देखिये, फिलहाल ये मुद्दा अभी असेंबली के सामने उठाया गया है। अब जो हाउस के चेयर हैं, स्पीकर हैं, वो इस मुद्दे को किस तरह से आगे ले जाते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग है, और क्या दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर एक फ्रेश एफआईआर दर्ज करती है, क्योंकि जो दावे किए गए हैं आम आदमी पार्टी के विधायक द्वारा वो बहुत ही संगीन दावे हैं और एक तरह से बहुत कम, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट इंस्टेंसेस होते हैं जब इस तरह से नोटों की गड्डियों को सदन के अंदर लहराया जाए ये बात उठाने के लिए किस तरह का स्कैम चल रहा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका दावा है कि उन्होंने पहले पुलिस को इत्तला किया था, डीसीपी तक को इसके बारे में जानकारी दी थी ताकि जो लोग इस पूरे स्कैम को, रिक्रूटमेंट स्कैम को चला रहे हैं उनको रंगे हाथों पकड़ा जा सके। तो संभवतः जब कार्रवाई दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं हुई है जिस तरह की कार्रवाई की उम्मीद उनको थी, आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल को थी, वो कार्रवाई नहीं हुई, तो तब उन्होंने इस पूरे मुद्दे को विधानसभा के अंदर उठाया और उसके साथ साथ जो नोटों की गड्डियां हैं उसको भी लहराते हुए दिखाया है, अपने दावे को पुख्ते तौर से रखने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हंगामा विधानसभा के अंदर फिर से आज तीसरे दिन चल रहा है और बीजेपी के जो विधायक हैं उनको मार्शल आउट किया गया, और इस वक्त शुभांकर जो मार्शल आउट विधायक हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री का जो दफ्तर होता है विधानसभा के अंदर, उस दफ्तर के ठीक बाहर आपको दरी बिछाकर जो विधायक हैं बीजेपी के तमाम विधायक दिखाई देंगे, जिसमें एलओपी रामबीर सिंह विधोड़ी भी हैं और साथ में कई सीनियर लीडर्स भी हैं जो इस वक्त धरने पे बैठे हुए हैं। और पूरा हंगामा जो आज हुआ है विधानसभा के अंदर, उसके अंदर वजह ये बताई जा रही है कि यमुना में प्रदूषण पिछले 8 सालों में बढ़ा है। ये बॉटल्स आप देखेंगे शुभांकर, सामने आपको दिखाई देगा, इन बॉटल्स को लेके बैठे हुए हैं बीजेपी के विधायकों का दावा है कि ये बॉटल के अंदर यमुना का पानी भरा हुआ है। और क्योंकि उनके मुद्दे को विधानसभा के अंदर नहीं उठाने का मौका मिला, इसलिए अब वो सीएम के दफ्तर के बाहर, जो दिल्ली असेंबली में सीएम का दफ्तर है, मुख्यमंत्री का दफ्तर है, उसके ठीक बाहर धरने पे बैठ गए हैं। शुभांकर ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ अमित, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन एक बार दर्शकों को सुनवाते हैं कि आम आदमी पार्टी के वो विधायक जिन्होंने नोटों की गड्डियां सदन में लहराई, महेंद्र गोयल, उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाए हैं। महेंद्र गोयल को आप जरा सुनिए। एक वो अमाउंट जो टोकन मनी के तौर के ऊपर उन्होंने मुझे दी थी, जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि ये रिश्वत का पैसा ये लोग मुझे दे रहे हैं और मैं रंगे हाथों इन आदमियों को पकड़वाना चाहता हूं कि ये रिश्वत का पैसा ये लोग मुझे दे रहे हैं और मैं रंगे हाथों इन आदमियों को पकड़वाना चाहता हूं।
लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। ये वो पैसे हैं, वो बंडल है जो सुरक्षित है। मैं विपक्ष के साथियों से भी कह रहा हूं, इस काम का राजनीति करना हो, मैं अपने साथियों से भी कह रहा हूं, सत्ता पक्ष के जितने भी साथी हैं, इस बात का राजनीति करना हो, ये मैं मुद्दा जो उठा रहा हूं, ये जनता का मुद्दा उठा रहा हूं, जनता की आवाज इस सदन के अंदर उठाने के लिए सभी मेंबर्स आते हैं। ये पैसे, ये वो रिश्वत के पैसे हैं जो टोकन मनी के ऊपर मुझे दिए गए, ये कि आप ये आवाज मत उठाओ, हमें ये पैसा लेने दो। इस मामले में मैं एलजी साहब से भी मिला हूं, एलजी साहब को भी पत्र लिखा है, मैंने सीएस साहब को भी लिखा है, मैंने हर दरवाजे के ऊपर मिला हूं। अपनी जान जोखिम के अंदर डालकर मैं ये काम कर रहा हूं, क्योंकि वो इतने दबा कि ये रिश्वत का पैसा। तो यहां पर आपने सुना, वो कह रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं अमित, और अंबेडकर अस्पताल में रिश्वतखोरी का यह मामला, तो ये सिर्फ सदन में शोर तक रह गया, खबरों तक रह गया, या वाकई में उनकी जान को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस घोटाले घपलेबाजी जो उनकी नजर में है उसको लेकर चाहे स्पीकर हो या पुलिस की तरफ से कुछ आगे कदम उठाए जा रहे हैं? जी देखिए, अभी फिलहाल ये मामला उठाया ही गया है। उनका दावा है कि उन्होंने पहले, महेंद्र गोयल ने पहले इस मुद्दे को पुलिस के सामने उठाया था, डीसीपी तक इस मामले को ले गए थे और चीफ सेक्रेटरी के भी सामने इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन उनकी शिकायत पे कार्रवाई बहुत ज्यादा कुछ हुई नहीं। और उनका ये भी दावा है कि उनको जो स्कैमस्टर्स हैं, जो रैकेट चला रहे थे, उन्होंने विधायक को भी इस पूरे स्कैम में शामिल करने की कोशिश की थी, जिसके एवज में उनको 15 लाख रुपए ऑफर किए जा रहे थे। और महेंद्र गोयल का दावा है, जो नोट वो लहरा रहे थे वो रिश्वत का पैसा है, रंगे हाथ पकड़ने के लिए उन्होंने ये पूरी की पूरी कार्रवाई की थी और पुलिस को भी अप्रोच किया था इस पूरे मामले में। लेकिन और इसके साथ ये दावा कि उनकी जान को खतरा है, ये दावा भी उठाया गया है, उनके द्वारा किया गया है। लेकिन फिलहाल स्पीकर की तरफ से इस पूरे मामले पे क्या संज्ञान लिया जाता है, क्या दिल्ली पुलिस को कहा जाएगा कि एडिशनल सिक्योरिटी विधायक को प्रोवाइड की जाए, ये सारी चीजें इस वक्त अनक्लियर हैं। और हंगामा लगातार, देखिए तीसरे दिन भी दिल्ली विधानसभा के विंटर सेशन में, जो शीतकालीन सत्र है उसमें लगातार जारी है, और ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड ये घटना एक तरह से कहेंगे कि जहां रिश्वत के पैसे दावा है आम आदमी पार्टी के विधायक का कि रिश्वत का पैसा उनको ऑफर किया गया था और उसी पैसे को वो फ्लोर पे सदन के सामने दिखा रहे थे ताकि जो पूरा का पूरा जो करप्शन है, रिक्रूटमेंट स्कैम है, उसको वो एक्सपोज कर पाए और ध्यान जो है वो उस पर फोकस करा पाए।